ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये राजभवन की तस्वीर है और बीएड के सभी छात्र हैं और अपनी छात्रवृत्ति की मांग के लिए इस वक्त राजभवन के समक्ष भींगते हुए बारिश में कल्याण विभाग से मांग कर रहे हैं कि छात्रवृत्ति हमें देना होगा, पोर्टल को खोलना होगा। और रांची की महापौर आशा लाखा भी आए हैं, राज कल्याण विभाग की ओर से पदाधिकारी भी आए और एक छात्र बेहोश भी इस वक्त यहाँ से हो गई। और ये तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और रांची की मेयर आशा लाखड़ा भी आई हुई है, उनसे भी बात करेंगे कि मैडम छात्रवृत्ति को लेकर इन लोगों की मांग है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरे छात्रवृत्ति के लिए छात्र संगठन बना करके आज बीएड के छात्रों ने अपना मांग कर रहे हैं, इनका मांग जायज है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अमिताभ कौशल जी को भी हमने अभी फोन पर फोन लगाया है, उन्होंने फोन नहीं उठाए हैं, क्योंकि जिस तरह से छात्र अपने पढ़ने के लिए खर्च उठाते हैं, अपना खेत बेच करके, सोना बेच के, बर्तन बेच करके 2 लाख रुपया देकर के एडमिशन लिए हैं कि एजुकेशन प्राप्त हो, अपने आगे का जीवन अच्छे से हो पाए और यहाँ देश के लिए यहाँ का स्टूडेंट को पढ़ा पाए। अगर इनका बीएड का डिग्री हो जाएगा तो आगे भी ये लोग पढ़ाई कर सकते हैं, स्कूल में पढ़ा सकते हैं। जिस गरीबी का दंश ये लोग झेले हैं उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। आज जितने भी स्टूडेंट आए हैं और जो इस छात्रवृत्ति का दंश झेल रहे हैं, मैं इतना कहूँ सरकार से कि आपका कान बहरा ना करें और विद्यार्थियों के लिए, इनके हित के लिए, इनके जीवन के लिए, इनका जीवन सक्सेस हो, इसके लिए आप इनको अपना पोर्टल खोल दीजिए और इनको छात्रवृत्ति दीजिए, ऐसा मैं डिमांड करती हूँ। और मैं छात्रवृत्ति के आवाज में सभी विद्यार्थियों के साथ में हूँ। मैडम ये छात्राएं अभी इस वक्त जो है बेहोश हो गई और फिर अस्पताल ले जाएगा। देखिए मैं यहाँ आई और जब आकर के देखी तो कई लोग ऐसे कहीं बीमार हो गए हैं, कई लोगों बेहोश हो रहे हैं। आने के बाद मैंने सीएस को फोन लगाया तो सीएस ने गाड़ी भेजे और उस छात्रा को ले जाया गया। और जब यहाँ टॉयलेट भी नहीं था, पानी भी नहीं था, उनका भी हम लोग व्यवस्था किए। अभी हमारा वार्ड पार्षद को भी हमने बुलाया है, यहाँ देखने के लिए भी बोले हैं, साफ सफाई भी चल रहा है, पीने का पानी भी हम लोग इन लोग के लिए पहुँचा दिए हैं। और कहीं ना कहीं दरी का व्यवस्था और तिरपाल का व्यवस्था भी हम जरूर करेंगे, हमें जानकारी नहीं थी और जैसे जानकारी मिली है मैंने तुरंत इनके साथ में होकर के इनका लड़ाई में हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से कल रात देर रात भींगते हुए बारिश में प्रदर्शन कल्याण विभाग की ओर से कहा गया कि व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कोई व्यवस्था आप देख सकते हैं कि नहीं की जा रही है। और ये छात्र का दर्द है, रांची की महापौर आशा लाखड़ा जो है इस वक्त मौजूद है और निश्चित रूप से ये मांग अपना कर रहे हैं कि हमें छात्रवृत्ति के लिए आते हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि इस तरह रूपा तिर्की के मामले को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन की जा रही है कि रूपा तिर्की को जाँच के लिए जो है जल्द से जल्द न्यायिक जांच से नहीं सीबीआई जांच कराई जाए, इसका भी प्रदर्शन भींगते बारिश में जो छात्र आदिवासी छात्र संघ के हैं और आदिवासी कल्याण समिति के जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सभी छात्र जो ये छात्र सभी बीएड के छात्र भींगते हुए बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक महिला जो छात्र जो बीएड की उनका तबियत बिगड़ गया, उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया गया है। और इसी तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं जो है
मांगों को लेकर और जो कल रात में परेशानियों का सामना करना पड़ा उसको लेके नगर निगम की ओर से व्यवस्था की जा रही है जल्द से जल्द चाहे हमारी तबियत बिगड़े उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े कुछ भी हो हम यहाँ अगर दो छात्र बचते हैं सही सलामत हम दो छात्र ही बैठेंगे निकल बैठेंगे आंदोलन पे जब तक कि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर देती। कल्याण विभाग ने ये बोला कि हमारी पोर्टल ओपन हो जाएगी आप लोग जाइए यहाँ से बट हमने उन्हें बोला कि हमें लिखित आश्वासन दीजिए तो उसमें वो नकार गए बोले हम लिखित आश्वासन नहीं दे सकते और उन्होंने हमें लिखित आश्वासन नहीं दिया इसलिए हम दोबारा फिर से आंदोलन पे अभी तक यहीं पे जो है लिखित चाहिए प्रूफ चाहिए कि पोर्टल खुलेगा और 20-21 का खुलेगा यानी कि 21-22 का खुलेगा 20-21 का खुलेगा तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। हमारा लगातार अभी मांग है कि हमें लिखित आश्वासन जब तक नहीं मिलेगा चाहे बारिश हो या तूफान आए हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे और धरना देते रहेंगे लगातार धरना देते रहेंगे। इसमें तो क्लाउज दिया है कि बजट के अनुसार छात्रवृत्ति देंगे फर्स्ट कम फर्स्ट गेट इसको भी निरस्त करना होगा अदरवाइज हम लोग नहीं उठेंगे। दूसरी बात एक और लगा के सरकार ने क्लाउज दिया है इस बार कि जो 20-21 में जिसको छात्रवृत्ति मिल चुका है उसी को 21-22 में मिलेगी तो ये बात भी नहीं चलेगी। ये दोनों ही क्लाउज को भी खत्म करना होगा। दोनों साल का स्कॉलरशिप जा रहा है एक तो गया ही है दूसरा भी जाने का प्रोग्राम लगा के रखा है सरकार ने दोनों में से किसी में नहीं मिलेगा इसमें का रवैया रखेगा तो सरकार जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है चाहे बारिश आए चाहे कुछ भी आ जाए हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है लड़का लड़की सब। तो जब तक देखिए इस वक्त भी बारिश हो रही है यहाँ पर राजभवन के समक्ष और सभी बारिश में भींगते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं हालांकि नगर निगम की ओर से जो है व्यवस्थाएं कराई गई है चाहे वो शौचालय की बात हो क्योंकि महिला छात्र भी इसमें शामिल है और महिला छात्र के लिए भी शौचालय की व्यवस्था सबसे पहली प्राथमिकता होती है और नगर निगम के जो महापौर है वह व्यवस्था की गई है उनके द्वारा क्योंकि एक छात्रा की तबीयत इस वक्त बिगड़ गई यहाँ से उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि भींगते बारिश में किस तरह से जो है छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको इन सभी छात्रों की मांगों को दिखाया था और इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि त्रिपाल किस तरह से बांध कर भींगते बारिश में सभी छात्र किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी भूख हड़ताल पर आप सभी भूख हड़ताल पर हैं तब तक एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई तब तक आप लोग ऐसे हड़ताल पर हैं। हमारा जो मांग है डिमांड है जब तक वो पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर रहे। हमारी जो सरकार है हर वादे से मुकर रही है हमारी पोर्टल जो 20-21 का है उसको भी नहीं ओपन नहीं कर रही है उसको छोड़ के 21-22 का पोर्टल ओपन कर दी और हमारे बहुत सारे दोस्तों का तबियत बिगड़ चुकी है सबका बीपी उपी लो हो रहा है एक छात्रा की तबीयत खराब हो गई जो गिर गई थी उसका भी तबियत अभी तक खराब हुआ हमारी हर बातों का अनसुना कर रही है इसलिए हम लोग का जब तक कि हमारा एक कल्याण पोर्टल 20-21 का लिखित में आश्वासन नहीं दिया था हम लोग ऐसे लेते रहेंगे चाहे हमारा प्राण त्याग में समस्या हम देवघर से आए दिक्कत हो जाएगा हम लोग को दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी ना हमारा नामांकन हमें वापस लेना पड़ेगा हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। हम एक मजदूर का बेटा है और इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि बीएड में एडमिशन लें और इस छात्रवृत्ति के भरोसे ही हम लोग एडमिशन लिए थे। क्या नाम है? अशोक पंडित मेरा नाम है।
अशोक पंडित। तबियत बहुत ज्यादा खराब है। एक बार सुबह डॉक्टर साहब आए थे, दाद उठ कर चाहिए और अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। आपकी एक साथी का तबियत बिगड़ गया है, क्या कहेंगे आप लोगों की तबियत बिगड़ जाएंगी कैसे आप लोग? हमारा तबियत बिगड़ तो गया है पूरी तरीके से, लेकिन अभी तो अभी हम जिंदा हैं, तो जब तक जिंदा मेरा सांस चलेगा तब तक हम संघर्ष करेंगे और अपना अधिकार लेंगे। अगर सरकार नहीं देती है तो फिर भी हम सरकार से बोल रहे हैं बार बार दे दीजिए। और अभी हमारी जो फ्रेंड है रूपा कुजूर, वो तो पूरी तरह से बेहोश हो गई है, अगर उसको कुछ होता है तो हम सब जितने भी हैं सब मिल करके मुख्यमंत्री को जाकर के उखाड़ के फेंक देंगे मुख्यमंत्री। तो देखिए ये तस्वीर जो है नियुक्ति वर्ष की तस्वीर है और नियुक्ति वर्ष में रोजगार देने की बात सरकार कही थी, लेकिन आप ये राजभवन के समक्ष ये तस्वीरें बयां कर रही है कि ये छात्र जो कल शिक्षक बनेंगे बीएड की पढ़ाई के लिए जो है अब इन्हें जो है स्कॉलरशिप सरकार देने की बात करती है, लेकिन अब सरकार जो है की ओर से जो ये कदम उठाया गया है कि छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है पोर्टल को लेकर, इसकी जो इसके विरोध में ये सभी छात्र बीएड के छात्र हैं सभी 2400 जिले के, और इनको जो छात्र कल शिक्षक बनेंगे ये धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि सभी की आदतों में शुमार हो गई है। और छात्रों को बिना धरना प्रदर्शन दिए और बिना भूख हड़ताल किए बिना कोई उनकी पूरी, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से भींगते बारिश में अपने घर जिन्हें करना चाहिए था इस वक्त, वह इस वक्त जो है त्रिपाल के अंदर अपने घर परिवार से दूर होकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और कई छात्र छात्राएं की तबीयत भी बिगड़ चुकी है जिन्हें की सदर अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जैसा कि नगर निगम की महापौर ने बताया कि हमने सचिव को फोन लगाया, अमिताभ कौशल जो सचिव है उनको फोन लगाने से जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर क्यों पोर्टल को बंद कर दिया गया, तो इस पर फोन नगर निगम की जो महापौर है उनका नहीं रिसीव किया गया। और नगर निगम की ओर से व्यवस्थाएं जरूर करा दी गई है सभी छात्र छात्राओं के लिए कि बेहतर सुविधा कम से कम जो खाने पीने की हो या लैट्रिन या बाथरूम की जो समस्या की जो यहाँ पर उत्पन्न हो रही है इन सभी के लिए शौचालय जरूर बनाए गए हैं। लेकिन यह तस्वीर जरूर बयां कर रही है कि नियुक्ति वर्ष में नियुक्ति तो जो हो सो हो, लेकिन जो छात्र छात्राएं बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी जो स्थिति आप कह सकते हैं इस तरह से ये भींगते बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें छात्रवृत्ति जो है, क्या कहेंगे क्या कहना है, बस हमारा कहना यही है कि वो हमारी मांग पूरी कर दें हम लोग चले जाएंगे। और जब तक साजिद इकबाल, कितने छात्र हैं आप लोग हमारे यहाँ पे? लगभग जो है रात भर 200-250 लोग रुके थे। पढ़ेंगे लेकिन अपनी छात्रवृत्ति लेकर ही जाएंगे। वैसे तो हमारे कितने लोग बीमार पड़ चुके हैं और बेहोश भी हो चुके हैं, उनका भी कोई इंतजाम नहीं है सरकार सोच रही है, और उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या वादे किया था सरकार ने आप लोगों? सरकार ने वादा किया था कि आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, लेकिन वादा करने के बाद वो धोखा किया हमारे साथ और दूसरे सेशन के लिए जो है इकलियां खोल दिए, जबकि हम अपने फर्स्ट ईयर का कुछ हुआ नहीं है और नया एडमिशन भी नहीं हुआ अब तक, और दूसरे सेशन के लिए वो खोल दिए हैं। तो हम तो दोनों साल से चले गए, दोनों साल से हमारा हाथ निकल गया, एक साल नहीं मिला और दूसरे साल का भी चला गया। नोटिफिकेशन आया है अभी जो नया सेशन के लिए पोर्टल खोलने का बात किया गया, नोटिस आया उसमें साफ तौर पर लिखा गया है अगर आप पुराने इस सेशन में अप्लाई नहीं करेंगे तो अगला सेशन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसमें साफ दर्शाया गया। और इसके हमारा विरोध भी है, इसके कारण अभी 5000 छात्र प्रभावित है, और अभी अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो अगले सत्र में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे और इससे लाखों छात्र प्रभावित होंगे। हम फैजल खान हजारीबाग से आए। देखिए विभिन्न जिला से सभी छात्र छात्राएं ये तस्वीर बयां कर रही है, किस तरह से बीएड के जो छात्र हैं छात्राएं हैं यह अपनी छात्रवृत्ति को स्कॉलरशिप को लेकर मांग कर रहे हैं और भींगते बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं अपने घर परिवार से दूर होकर, और एक धरना प्रदर्शन करने की कहना ही कहीं झारखंड में ये आप कह सकते हैं कि आदत बन गई है छात्रों में। सभी छात्र छात्राएं पढ़ाई करने के लिए शुरुआत करते हैं लेकिन बिना धरना प्रदर्शन बिना विरोध प्रदर्शन बिना भूख हड़ताल के कोई कार्य जो है कहीं ना कहीं वो पूरी ही नहीं हो पाती है। आखिर क्या ऐसी बातें हैं जो इन सब कारणों के कारण जो है
इनकी मांगों को दबा, जो आप कह सकते हैं स्कॉलरशिप को रोक दिया, क्या मानते हैं कारण, क्यों आखिर स्कॉलरशिप रोक दिया गया? सरकार चाहती है नहीं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, सब पढ़ लिख जाएंगे तो ये जो सरकार जो इस तरह से करप्शन करती है ये सब बातें समझ ही नहीं पाएंगे, जिसके कारण सरकार चाहती है नहीं कि शिक्षा पे जोर दे। हर तरफ से सरकार की ये कोशिश रहती है कि युवाओं को बरगलाए, न पढ़ने दे न लिखने दे, ताकि जो वो तरीके से जो रूल रेगुलेशन चेंज करती है। चुनाव में तो खुद मधुपुर में सरकार जब उपचुनाव हुई तो हेमंत जी चार बार वहाँ चार दिन कैंपेन किए, डोर टू डोर कैंपेन किया, हम लोगों ने दो बार वहां से भी मिलकर एप्लीकेशन दिया था, उनसे रिक्वेस्ट किया था। दावे तो सरकार करती है लेकिन सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए और न्यूज में चलाने के लिए, हकीकत तो यह है कि हम लोग गरीब है, हम लोग मजदूर है, हम लोग को मजदूरी करवाना चाहती है, हम लोग पढ़ जाएंगे लिख जाएंगे तो सरकार से जैसे आज मांग कर रहे हैं वो मांग आगे भी करेंगे, तो सरकार ऐसा चाहती ही नहीं कि लोग पढ़ने से ही रोक दिया जाए, तो मांग कहाँ से करेंगे, जब लगे पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे तभी तो मांग कर रहे हैं। मेरा नाम सुभाष कुमार है, हम देवघर से आए हुए हैं और मधुपुर विधानसभा से बिलोंग करते हैं। मुख्यमंत्री चार दिन डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए टाइम है उनके पास, उस समय कोरोना भी नहीं थी क्योंकि मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, हम लोग यहाँ आ गए हैं तो हम लोग को बताया जाता है कोविड-19 है, कोरोना तो सिर्फ हम ही लोगों से फैलता है, चुनाव में नहीं फैलता है और ना ही किसी तरह के कैंपेन करने से रैली करने से फैलती है। वो अगर अगर वो कोई भी मंत्री हो या कोई भी विधायक हो वो अगर रैली करते हैं तो कोरोना नहीं फैलती है। हम अभी 2-4 दिन 10 दिन का पिछले का बात बताते हैं, बसमाता गांव में हमारे ही विधायक जो है श्रम मंत्री है हफीजुल सर, वो एक रैली मतलब वहां पे एक उद्घाटन करने के लिए आए थे, भीमराव अम्बेडकर जी का उनका जो मूर्ति था उनका अनावरण करने के लिए आए थे, 100-200 लोग वहां जमा हुए, मीडिया बंधु लोग भी आए, वहां पे कोविड नहीं हुआ। अगर हम लोग यहां पे आ जाते हैं हम लोग को एक ही बहाना दिया जाता है कि कोविड है कोविड है, तो क्या सिर्फ कोविड हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए है, ये नेताओं के लिए मंत्रियों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो सरकार चाहती नहीं हम लोग पढ़े, अगर पढ़ लिख के आज हम लोग डिमांड कर रहे हैं तो सरकार ये बात समझ रही है, सब पढ़ जाएंगे लिखेंगे तो ये जो हम करप्शन कर रहे हैं ये बिल्कुल भी डिमांड नहीं कर पाएंगे, हम लोग पढ़ जाएंगे तो डिमांड करेंगे। तो सरकार जो है हम लोग को बरगला के रखना चाहती है, सरकार को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये बात अब नहीं चलेगी, हम लोग जागरूक हो चुके हैं, हम लोग उनके इस बहकावे में फुसलावे में नहीं आने वाले हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग अपने बातों को समझते हैं, अपने भविष्य को देखते हुए हम लोग अपने बातों के लिए अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप देखें अभी कितने हम लोग भूख हड़ताल पे जो बैठे साथी हैं, एक तो एडमिट हो गई हैं और बाकी लोग का हालत गंभीर है, बराबर उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होते जा रहा है। तो हम लोग भी अगर सरकार अभी नहीं सुनती है तो अभी 10-15-20 के संख्या में जो है यहाँ पे जितने लोग है दोस्तों सब कोई हम लोग धरना भूख हड़ताल पे बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे, सब बैठेंगे। और अभी एक बात और बता दूं आपके माध्यम से कि हर जिले से हम लोग कुछ प्रतिनिधि लोग ही आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि खुद हम लोग सरकार के गाइडलाइंस का थोड़ा पालन करें कि ज्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे। सरकार अगर ये समझ रही है कि संख्या कम है तो एक एक बार हम लोग अगर कॉल करें सब लोगों को तो ये सब जो अभी एक एक हर डिस्ट्रिक्ट से या दो दो करके जो दिख रहे हैं इनके पीछे 200-300 भी आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग संख्या कम नहीं है लेकिन हम लोग चाहते नहीं है कि ज्यादा लोग आए। लेकिन अगर सरकार यही मनता है कि अरे ये लोग तो 2-4-10 है, इन लोगों को ऐसे ही भगा दें, तो ये हम क्लियर बता देना चाहते हैं कि कल से परसों तक में बात अगर नहीं होती है, सरकार संख्या देखना चाहती है तो हम लोग संख्या दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, हजारों हजार की संख्या यहाँ पे जुड़ा सकते हैं। अगस्त क्रांति कहने की बात कही जा रही है कई छात्र संगठनों द्वारा कि अगस्त क्रांति किया जाएगा, क्या मानते हैं आप लोगों की भी अगर मांग नहीं पूरी होती है तो क्या क्रांति की शुरुआत अगस्त से शुरुआत करेंगे आप लोग? देखिए बात सही है, अगस्त क्रांति की जो बात हो रही है, अगर छात्र लोग क्रांति मतलब एक बदलाव है जो समाज में जो कुरीति चल रही है, जो समस्या अगर रही तो बदलाव जो होगा ही तो क्रांति है। अगर सरकार नहीं मानती है हमारी मांग तो सरकार एक गलतफहमी में ना रहे कि यहाँ पे संख्या में 200-300 छात्र हैं, ये सभी जिले से छात्र प्रतिनिधि ही आए हैं और अगर छात्र का बात नहीं सरकार सुनती है, अभी तो कल्याण विभाग से एक मैडम आई थी, खाने पीने का सामान वगैरह हाँ मैडम रख के गई थी लेकिन हम लोगों ने उसे रिटर्न कर दिया कि मैडम जब तक नहीं हमें लिखित आश्वासन मिलती है तब तक हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, आप इसे वापस ले जाइए। फिर मैडम का गाड़ी में हम लोग सामान को रख दिया, उसमें सिर्फ सेब था हाँ खाने के लिए, वो भी प्रशासन चुपके से भीड़ में रख दी, यानी ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ आतंकवादी बैठे हैं, क्या बम रख दिए। हाँ इस पे हम बोलना चाहते हैं, अभी एक हमारी आंदोलनकारी छात्रा कुछ देर पहले बेहोश हो गई, उसे लेके अभी सदर अस्पताल ले गया गया, अगर छात्रा के साथ किसी तरह से अनहोनी कुछ घटना घटती है
तो ये हेमंत सोरेन कान खोल के सुन ले कि पूरे पूरे झारखंड में छात्र लोग सड़क पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। और इसका जवाब दही इस हेमंत सोरेन और कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन की होगी। अगर छात्रा के साथ अगर कुछ किसी भी तरह की अनहोनी घटना घटती है तो अगर उसका उचित इलाज भी नहीं होगा तो हम लोग यहाँ जो बैरिकेटिंग लगाए हैं हेमंत सोरेन, ये बैरिकेटिंग अभी हम लोग तोड़ के जाएंगे और इस हेमंत सोरेन के पास जितना भी गोली बारूद जितना फोर्स है लगा ले। अगर हम छात्रों पर अगर गोली चलाना चाहते हैं तो चलाए, हम लोग जवाब में कुछ नहीं करेंगे। शिक्षक बनेंगे कैसा क्या है ऐसा क्रांतिकारी कदम? देखिए बात सही है, अगर आज आज तो अगर शिक्षक हम लोग भविष्य के शिक्षक हैं, अगर शिक्षक का भविष्य ही नहीं रहेगा। हम लोग तो सिंपल 10 फरवरी से जब पोर्टल बंद किया उस समय तो आंदोलन नहीं किए, उस समय तो हम लोग ज्ञापन दिए, उस जिला कल्याण विभाग हो या चंपाई सोरेन से हम खुद मिले, चंपाई सोरेन जी बोले ठीक है आप लोग का काम होगा। तो हम लोग तो सभी तरह से धरना प्रदर्शन हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि इस भारी बरसात में भींग के करें, इस कोविड का जो तीसरा लहर आने वाला है इस बीच में करें, ये हम लोग कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन छात्र लोग का भविष्य जुड़ा हुआ है, अगर छात्र लोग का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर इस जीवन का रख के क्या करेंगे? अगर भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगी तो इस जीवन का क्या करेंगे? इसीलिए मजबूरन आज छात्र लोग आए। आज जो छात्रा थोड़ी देर पहले बेहोश हुई उसका क्या मजबूरी था कि रांची के सड़क में आके बेहोश हो जाए? अरे वो तो अपना मांग मनाने आए। अगर यही जब ज्ञापन सौंपे कल्याण मंत्री से मिले अगर उसी समय वो सुन लेते तो आज छात्रा रोड में बेहोश नहीं होती। आज हेमंत सोरेन का बहन जैसी थी वो लड़की, वहां उसकी बेटी जैसी थी, तो आखिर कहां है हेमंत सोरेन? यहां से 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में है, क्या उनका कान में जूर तक नहीं रेंग रही है? यहाँ पे राज्यपाल महोदया और राज्यपाल महोदय जी है, यानी 100 मीटर भी दूर नहीं है, कहाँ है? यहाँ पे रात भर छात्र छात्राएं बैठे रहे, कोई प्रशासन नहीं, यानी किसकी सरकार? ये किसकी सरकार है? और यहाँ पे जो छात्र बैठे हैं क्या ये झारखंड के नहीं है? क्या ये जापान और ऑस्ट्रेलिया से आके बैठे हैं क्या? यही तो झारखंड के छात्र है जो अपना हक मांग रहे हैं। इन लोग का तो हक है कि हमें छात्रवृत्ति दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं। क्या लगता है कारण क्यों रोक दिया? देखिए सरकार का साफ मनसा है, जैसा हम लोग को लग रहा है कि किसी को भी पढ़ाना नहीं चाहती है ये सरकार, किसी को पढ़ाना नहीं चाहती है। अगर तो 5 लाख रोजगार दे तो आप लोग देखे होंगे, तो अभी तो 2021 लगभग 7वां महीना खत्म हो गया और 3 दिन बाद खत्म होगा, कितना निकला रुपये से? सिर्फ सर आप बोल रहे हैं कि कोरोना काल है, इस कोरोना काल में सब चीज सरकार का हो रहा है, वैकेंसी नहीं हो रहा, यही सरकार कोरोना प्रोटोकॉल का बहाना कर रही है। आपको बता दें कि हमारे झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी हैं, वो कुछ दिन पहले पिछला 14 जुलाई को जमशेदपुर का एक जुबली पार्क है उसमें उस पार्क को 16 महीना बाद खोला गया, उसमें 100 की अधिक संख्या में कोई कोरोना प्रोटोकॉल नहीं था, सारा लोग एकदम ऐसे सट टूट के थे। स्वास्थ्य मंत्री हैं, आनी सरकार के लिए कोरोना प्रोटोकॉल अलग है और आम छात्र जो अपना हक मांग रहे हैं उसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल अलग है। अगर ऐसा है तो आप अलग अलग निकाल दीजिए कि सरकार का जो मन आएगा कोरोना काल में हम करेंगे, छात्रों का छात्रवृत्ति काटेंगे, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे और हम कोरोना प्रोटोकॉल नहीं मानेंगे, निकाल दे अलग अलग। मेरा सोहन महतो नाम है, हम जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला से आए हुए हैं। तो देखिए कई सारी बातों का जिक्र किया जा रहा है कि छात्र द्वारा जो है ये लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, एक महिला छात्रा की तबीयत बिगड़ चुकी है जिसकी कि आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, और एक छात्र की तस्वीर और भी बिगड़ गई है उसके भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक छात्र की तबीयत और भी बिगड़ गई है जो कि यहाँ पर जिस तरह से भिंगते हुए इनका तबीयत बिगड़ गया। फिर से जीता है एक लड़की हॉस्पिटल में जी, तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और
लगातार देखिए कि एक तरफ रूपा तिरछी के मामले को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो आश्वासन नहीं लिखित चाहिए, आप भी छात्र हैं। क्या मांग कर कहाँ से आया? क्या मांग है? क्या समर्थन देने का जो मांग है वो खूब करके नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, तो निश्चित रूप से ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये राजभवन के समक्ष ये सभी छात्र का है और छात्र छात्राएं का। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने वीडियो के माध्यम से जल्द कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति को पुनर्वृत्ति की जाए और फिर से जो है पोर्टल की शुरुआत करने की मांग जो की जा रही है। और ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह से छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद जो है एम्बुलेंस सदर अस्पताल से उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जैसा कि छात्राओं द्वारा कहा जा रहा है कि अगर हमारे किसी भी साथियों को कोई भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो इसका जिम्मेवार हेमंत सरकार होगी। जल्द से जल्द हमारी जो मांग है, जो हम मांग कर रहे हैं वह पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हम बीएड के छात्र हैं, हमारे क्लास टूट रहे हैं और हम कल शिक्षक बनेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह से धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन कर हमारी उम्र जो है कहीं ना कहीं बीत जाए। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह से जो बीएड के छात्रा है उनको जब वह बेहोश हुई तो उन्हें किस तरह से एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए, जुड़े रहिए लाइव लगातार के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और छात्रों से जुड़े हुए हर एक सवाल को हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और जो मांग है छात्र छात्राओं की उनको जरूर हमेशा से उठाने के दिशा में कार्य करेंगे। लाइव लगातार में इस वीडियो में इतना ही। मैं रांची से कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना